Assalamualaikum viewers, मेरा नाम जवाद है और मैं पाकवीज की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बाइक के रिव्यू। आज की बाइक हमारे पास है यामाहा FZ1N 2009। ये एक सेकेंड जनरेशन FZ1 है। FZ1 की बेसिकली दो जनरेशन आई थी, जो कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 2006 तक चली थी और जो सेकेंड जनरेशन थी वो 2006 से 2012 तक चली थी। ये सेकेंड जनरेशन है, ये यूज़ करती है 2007 यामाहा R1 का पावर प्लांट, जो कि डी ट्यून्ड आता है इसके अंदर। अगर आप भी सुपर बाइक, स्पोर्ट बाइक या एक्जॉटिक बाइक कोई लेना चाहते हैं तो सर्च करें parkwheels.com पर जाके फॉर योर ड्रीम बाइक और सेलर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हासिल करें अपनी ड्रीम बाइक। ये बेसिकली FZ सीरीज़ की बाइक है। ये अपराइट बॉडी पोजीशन होल्ड करती हैं। सबसे पहली FZ जो आई थी वो FZX थी, जो कि एक 750cc इनलाइन 4 कार्बोरेटेड इंजन था। वो आया था 1980s में। सबसे लेके अप टिल नाउ यामाहा ने डिफरेंट इंजन साइज़ में FZ सीरीज़ की बाइक्स ऑफर की हैं, जो कि 150cc से लेके 1000cc तक रेंज करती हैं। FZ1 जो मोटरसाइकिल है उसकी दो जनरेशन आई हैं, जिसमें से ये सेकंड जनरेशन मोटरसाइकिल है। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो अर्ली 2000 से लेके 2006 चली थी और जो सेकंड जनरेशन है वो 2006 से 2012 तक चली थी। ये जनरेशन जो है इट यूज़ ए 2007 यामाहा R1 का प्लांट, जो कि डी ट्यून्ड होता है। इसको ज़्यादा ऐसी मोटरसाइकिल बनाने के लिए जो कि स्ट्रीट पे ज़्यादा फ्रेंडली हो। इसकी पावर आउटपुट थोड़ा सा कम होता है और ये रेव रेंजेस में थोड़ी लोअर RPM पे ज़्यादा पावर आउटपुट देती है। इस बाइक के इंजन 1000cc है इनलाइन 4, जो कि जैसे कि मैंने बताया यामाहा R1 का है। अब यामाहा R1 के अंदर दो इंजन टाइप्स आती हैं जो आपके रीसेंट ईयर्स में आई हैं। एक क्रॉसप्लेन है, जो कि 2009 के बाद आई है और ये 2009 क्रॉसप्लेन के बगैर है। दिस इंजन इज द वन जो कि क्रॉसप्लेन से पहले आया हुआ है। इट इज़ कंसिडर्ड अ लेस प्रॉब्लमेटिक इंजन, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी हॉर्स पावर भी कम रिलेटिवली प्रोड्यूस करता है। ये बाइक 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अभी और 153 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बेसिकली दिस इज़ अ 240 kg मोटरसाइकिल और इसको रोकने के लिए डुअल कैलिपर डिस्क ब्रेक्स फ्रंट पे हैं और रेयर पर सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक्स हैं, जो कि यामाहा ने इस तरीके से बनाई हुई हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छी स्टॉपिंग पावर देके बाइक को रोक देती हैं और बाइकर जो होते हैं, राइडर जो होते हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बाइक को हैंडल कर सकते हैं स्ट्रीट में। इसके साथ साथ सस्पेंशन सेटअप भी यामाहा ने कुछ ऐसे किया है कि बाइक का वेट वंस ये चलना शुरू हो जाए आपको वेट महसूस नहीं होता। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल तकरीबन 2 महीने से मैं चला रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक के साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, नेकेड बाइक्स के साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। एंड आई हैव टू से कि ऐसी पोजिशन की मोटरसाइकिल विद दिस मच ऑफ अ वेट मैंने अभी तक इतनी निम्बल मोटरसाइकिल नहीं चलाई। ये जैसा कहते हैं ना कि हलवा है, उस तरह हलवा है चलाने में। सो इसके चैसी बेसिकली यामाहा R1 के चैसी पे उन्होंने बॉडी डाली हुई है। इंजन भी बेसिक जैसे मैंने बताया कि वही है, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कोई फीचर्स सिमिलर टू यामाहा R1 नहीं है। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रीट बाइक। ये बहुत बेसिक किस्म की मोटरसाइकिल होती है। इसके अंदर ज़्यादा वो फीचर्स ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह पे नहीं फोकस करते, ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं और एक इन सिटी इन स्ट्रीट फोकस्ड राइडिंग स्टाइल होता है, जिसके अंदर ऐसा कहते हैं कि शश के कोई नहीं दिए जाते। व्यूअर्स आप लोग सोचते होंगे कि सिंस ये यामाहा R1 का इंजन है तो इसके अंदर हीटिंग इशूज़ भी आते होंगे। सर्टनली नॉट, दिस इज़ बिकॉज फॉर टू रीजन्स। एक पहले रीज़न ये है कि ये आप जैसे आप देख सकते हैं इसकी फेयरिंग नहीं है तो हीट काफ़ी आसान से एस्केप कर सकती है, बाइक हीटअप नहीं करती। सेकेंडली जैसा कि मैंने बताया ये इसकी 2007-08 यामाहा R1 का इंजन है, जो कि क्रॉस पेन नहीं होता था। सो दीज इंजन्स इनकी रिलेटिवली जो हीट प्रोड्यूस करती है वो कम होती है रादर देन जो क्रॉस पेन के बाद जो इंजन आए हैं। सो बेसिकली अब इसके अंदर भी FZ सीरीज के अंदर भी दो वर्जन आते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये फुल नेकेड वर्जन है, तो इसे FZ1N कहते हैं। इसका एक और वेरिएंट है जो कि FZ1 के नाम से कहा जाता है, जो कि एक सेमी फेड मोटरसाइकिल है। उसकी यहाँ हाफ बॉडी सेमी फेयरिंग होती है और फ्रंट पे वाइज़र होता है, जो कि विंड और एरोडायनामिक्स को इफेक्ट करने के लिए, लाइक यू नो, उनका इनकाउंटर करने के लिए हेल्प करता है। ये बाइक्स मोस्टली अगर आप यू आर द काइंड ऑफ राइडर जो कि हाईवे ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो सेमी फेड मोटरसाइकिल आपके लिए ज़्यादा सूटेड होगी। कंसिडरिंग द एरा दिस बाइक इज़ फ्रॉम, ठीक है, इसकी यामाहा ने काफ़ी अग्रेसिव लुक रखी है, जो कि अभी तक की आज के दिनों में भी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी रेलेवेंट लगती है। इसको अगर देखा जाए तो आजकल की जो सुपर स्पोर्ट्स या नेकेड बाइक्स भी आ रही हैं, ये बाइक उनसे लुक वाइज कम्पीट कर सकता है आराम से।
व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की तरफ और मैं आपको बाकी फीचर्स दिखाऊंगा जो कि यामा ने इस बाइक के अंदर दिए हैं। इसके अंदर आपके पास एक डिजिटल स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है जो कि आपको जैसे आप देख सकते हैं कि एमटी लास्ट बार पे आ रहा है। इसके अंदर टेम्परेचर गेज है, टाइम बताती है ये, एट द सेम टाइम यू हैव द ट्रिप मीटर जो कि ट्रिप ए बी और ओडोमीटर इन्होंने साथ दिया हुआ है। इसके साथ आपके पास ये आरपीएम मीटर है जो कि 11,000 आरपीएम तक ये बाइक जाती है। अब हम आएंगे आपके किल स्विच की तरफ। ये आपके इंजन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए किल स्विच होता है। उसके अलावा ये है आपके पास इंजन का स्टार्ट ऑफ इग्निशन बटन है आपका। इधर आपका लाइट हाई और लो का स्विच है। यहाँ आपका डिपर है। ये आपका हैजर्ड बटन है जो कि आप इमरजेंसी सिचुएशन पर लगाते हैं ताकि आप लोगों को अलर्ट कर सकें कि आपकी बाइक में कोई इशू है। ये आपका इंडिकेटर है, ये आप लेफ्ट राइट सिग्नल करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये आपका हॉर्न है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अपराइट हैंडल बार है और ये काफ़ी वाइड है। दिस इज़ बिकॉज यामा ने इस बाइक के ऊपर फोकस किया है इकोनॉमिक्स पे, ताकि आप जब बाइक पे बैठे हुए हों आप ज़्यादा आपकी जो बॉडी पोजीशन है वो ज़्यादा बेंट ना हो और आप कंफर्टेबली ये बाइक फॉर लॉन्ग पीरियड चला सकें। व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक के ऊपर जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन काफ़ी बेसिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेयर एक ये रीमस का एग्जॉस्ट है जो कि काफ़ी अग्रेसिव साउंड करता है और पॉपिंग भी करता है। सेकेंडली ये लगी हुई है टेल टाइडी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी नंबर प्लेट थोड़ी सी अंदर टक हुई हुई है। नॉर्मली इन बाइकों के अंदर या किसी भी आप स्टॉक बाइक को देख लीजिए उनके अंदर फुल टेल आती है जिसके अंदर नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर लगे हुए आते हैं। ये काफ़ी अनडिज़ायरेबल लगते हैं तो इनको थोड़ी सी एस्थेटिकली प्लेजेंट बनाने के लिए ये लगाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि ऐसी बड़ी बाइक्स की मंथली मेंटेनेंस कैसी होती है। फर्स्टली हम कहेंगे आएंगे इंजन पे। अराउंड 1000 टू 1500 किलोमीटर्स के बाद इनका इंजन ऑयल चेंज होता है। 10W40 इज़ रिकमेंडेड ऑयल विस्कोसिटी जो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सेकेंडली इनका ऑयल फिल्टर भी आपको ऑल्टरनेटिवली मतलब एवरी 3000 किलोमीटर्स चेंज कराने में रिकमेंड करती है फैक्ट्री। थर्डली हम आ जाते हैं जनरल जो मेंटेनेंस, आप समझ लें कि वो एयर फिल्टर की सफाई हो गई, वो चेन को लुब्रिकेट करना, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप करते हैं जिनकी वजह से बाइक आपकी अच्छी रहती है, साफ़ रहती है। ये मेरी पर्सनल मोटरसाइकिल है और ये मैं तकरीबन 2 महीने पहले ख़रीदी थी। फॉर इसकी तब उस टाइम पे जब मैंने एट द टाइम परचेज इसकी प्राइस थी 10,75,000 फॉर अ 2009 यामा FZ1N। मैं अपने फेलो राइडर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स बाइक या किसी भी एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट और पैड्स वगैरह पहनने का आदत डालें। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिविज ने मुझे चांस दिया कि मैं आपको इस बाइक का रिव्यू ला सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बाइक का और ऐसी इस तरह की एग्जॉटिक मोटरसाइकिल्स का और आइंदा भी रिव्यू देख रहा हूँ तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स और शेयर दें। थैंक यू।